ओम शांति। जिम्मेदारी मनुष्य को सशक्त और महान बनाती है। जो मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूर्ण करते हैं वो निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। परंतु जिम्मेदारियों में हल्के रहना ये भी एक बहुत बड़ी ज्ञान युक्त स्थिति है। कई लोग जिम्मेदारी मिलते ही भारी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात सामने आते ही टेंशन में आ जाते हैं, हल्के नहीं रह पाते। लेकिन हमें याद रखना है कि कल पहले भी तो हमने इस जिम्मेदारी को पूर्ण किया था। हमारे अंदर तो शक्ति है जिम्मेदारी को पूर्ण करने की, क्योंकि बाबा ने हमें अपनी संपूर्ण शक्तियां दे दी हैं। तो चाहे लौकिक जिम्मेदारियां हों चाहे अलौकिक जिम्मेदारियां हों, लौकिक में कोई बड़ा कार्य सामने आ गया हो जो हमें करना हो, उसको हल्के रूप से पूर्ण करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे और एक संकल्प अपने अंदर पहले से ही भर लेंगे, मेरे साथ बाबा है। ये बहुत सुंदर बात है, हम सबको याद रखना है। जो योगयुक्त रहते हैं या जो ये स्मृति बहुत पावरफुल रखते हैं कि मेरे साथ बाबा है, तो बाबा उनके साथ जैसे कि कार्य करने लगता है, बाबा की शक्तियाँ उनसे जुड़ जाती हैं। हमारी शक्तियाँ और बाबा की शक्तियाँ दोनों जब जुड़ जाएं तो कितनी बड़ी शक्ति हमारे पास आ जाएगी, और तब हम हर जिम्मेदारी का हर बड़े कार्य का सहज पालना कर सकेंगे। और उसमें यदि कोई विघ्न और समस्याएं भी आएंगी तो हम उन्हें हंसते हंसते पार कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी स्मृति है कि बाबा हमारे साथ है, उसकी शक्तियाँ हमारे साथ हैं। तो जिम्मेदारियों को वहन करते हुए बहुत अच्छा अभ्यास करें जैसे बाबा कर करा रहा है। जब उसने वायदा कर दिया, अगर तुम अपनी जिम्मेदारियाँ मुझे समर्पित कर दोगे तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारियाँ सभी पूर्ण करने लगूँगा, इसके बहुत अच्छे अनुभव हम सबको करने ही होंगे। और पहले से ही एक बहुत सहज आदत बनानी पड़ेगी कि हल्का रहें। ये जो भारी होने की आदत है ये हमारी शक्तियों को जैसे दबा देती है, विस्मृत करा देती है। और जो भारी हो जाते हैं उनके काम भी भारी हो जाते हैं, जो टेंशन में रहने लगते हैं उन्हें हर कदम कदम पर विघ्नों का सामना करना पड़ता है, और जो स्वयं बहुत हल्के रहते हैं उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत हल्की हो जाती हैं। तो अपनी सामर्थ्य को याद रखते हुए, अपने मन की शक्तियों को स्मृति में रखते हुए संकल्प शक्ति को यूज करेंगे। संकल्प शक्ति को यूज करने का अर्थ यही है कि हम सुंदर संकल्प करेंगे ये कि ये कार्य ये तो हुआ कि हुआ, अरे भगवान हमारे साथ है, ये क्या बड़ी बात है, ये तो कुछ भी नहीं है, जैसे हुआ ही पड़ा है। जैसे बाबा के शब्द होते हैं, ये तो हुआ ही पड़ा है, कल्प कल्प तुमने किया है, तुम तो कल्प कल्प के विजयी रतन हो। इस तरह के अभ्यास से बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो आज सारा दिन सबको आत्मा देखकर उन्हें करंट देना है, ये संकल्प कर लें। हम तो पवित्रता के अवतार हैं, सारा दिन पवित्रता की सकाश देनी है। सवेरे बहुत अच्छा योग कर लें, अपने को इस स्वमान में स्थित रखें, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मेरे से तो सभी को शुभ भावनाएं ही जानी चाहिए, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। और फिर सारा दिन बस ये अभ्यास चालू रखेंगे, जिसको भी देखें ये आत्माएं हैं, और मुझ आत्मा से पवित्रता का एक फोकस पिचकारी की तरह इन सब के ऊपर पड़ रहा है। इससे अपनी पवित्रता भी बहुत अच्छी हो जाएगी और दूसरों को भी हमसे पवित्रता का निरंतर बल मिलता रहेगा। आत्मिक दृष्टि रखने से हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। जिनके मन बहुत भटकते हों, जो परेशान रहने लगे हों, वो इस अभ्यास को बढ़ाएं, आत्मा देखकर
पवित्र वाइब्रेशंस देना, उनके मन की भटकन दूर हो जाएगी, मन शांत और प्रसन्न रहने लगेगा। तो आज सारा दिन इस सुंदर अनुभूति का रसास्वादन करें। ओम शांति।